सो हेलो गाइस, वक्त अनमोल है ये कहना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इस वक्त को मापने के लिए हम एकमात्र घड़ी का यूज़ करते हैं। घड़ी कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, हम हर उस चीज़ को घड़ी कहते हैं जो हमें वक्त बताती है। इतिहास में जिस तरह विज्ञान विकसित होने लगा, वैसे वैसे घड़ी भी विकसित होने लगी और घड़ी के नए नए रूप आने लगे। घड़ी के इस इतिहास को जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब विज्ञान में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तब लोगों की घड़ी सूरज थी। वो सूर्य या चांद से ही समय का अंदाज़ा लगाया करते थे। लेकिन जैसा कि हमें पता ही है, गर्मी में दिन बड़े होते हैं और ठंडी में दिन छोटे, और बरसात में तो सूरज का निकलना ही बड़ी बात है। फिर इंसानों ने सूर्य घड़ी बनाई, जिसमें किसी एक प्लेन सरफेस पर एक लकड़ी या धातु की रोड रखी जाती और सूरज की वजह से जो परछाई बनती उससे समय का पता लगाया जाता। लेकिन जब बादल होते या बरसात का मौसम होता तो यह तरीका काम नहीं आता, इसलिए वाटर क्लॉक का आविष्कार हुआ, जिसमें दो पात्रों का यूज होता था। एक पात्र में पानी भर दिया जाता और उसकी तली में छेद किया जाता, जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी दूसरे पात्र में गिरता। दूसरे पात्र में जितना पानी इकट्ठा होता उससे वक्त का पता लगाया जाता। कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में अलार्म क्लॉक का भी इन्वेंशन हुआ, जो कि काफ़ी हद तक वाटर क्लॉक जैसी थी। कैंडल क्लॉक, इसका पहला जिक्र एक चीनी कविता में मिलता है जो 520 AD में लिखी गई थी। इसमें मोमबत्ती पर समान दूरी पर चिन्ह लगाए जाते थे, फिर मोमबत्ती के जलते रहने से वक्त का पता लगाया जाता। रेत घड़ी, रेत वाली इस घड़ी को हमने कई फिल्मों में और शो में देखा होगा। कहा जाता है कि इसे पहली बार अरब में बनाया गया था। पुराने समय में रेत घड़ी का यूज ज्यादा होता था, खासकर समुद्री जहाजों में। पहली घड़ी के आविष्कार का श्रेय पॉप सिल्वेस्टर सेकंड को जाता है, जिन्होंने 1996 को घड़ी का आविष्कार किया, जिसका उपयोग यूरोप में करीब 13वीं शताब्दी में होने लगा और जैसे घंटा घर में भी लगाया जाने लगा। पर यह घड़ी सिर्फ घंटों पर ही काम करती थी, इसलिए 1577 में स्विट्जरलैंड में जोस्ट बर्गी ने मिनट वाली घड़ी का इन्वेंशन किया। हाथ में घड़ी पहनने का चलन ब्लेस पास्कल द्वारा हुआ था, जिन्होंने अपनी जेब घड़ी को एक तार से अपने हाथों में बांध लिया। फिर 1956 में क्रिश्चियन हुजिन्स ने फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक बनाई थी। पहली अमेरिकी अलार्म क्लॉक लेवी हुचिन्स द्वारा 1787 में बनाई थी। इन्होंने इसको अपने लिए बनाया था, जबकि यहाँ सिर्फ 4 बजे बजती थी, जिस समय वहाँ उठकर जॉब पर जाया करते थे। टोनी रीडर पहले फ्रेंच आविष्कारक थे जिन्होंने सबसे पहले अलार्म क्लॉक का पेटेंट 1747 में फाइल किया था। पहली वॉच बनाने का खिताब पीटर हैंडलिन को जाता है, जिन्होंने लगभग 1500 के करीब एक ऐसी वॉच बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। वक्त के साथ साथ कलाई घड़ी का चलन होने लगा, जो कि यहाँ कंफर्टेबल थी और फैशनेबल थी। कंपनियों ने कलाई घड़ी को और अपडेट किया और डिजिटल वॉचेस आने लगी, और फिलहाल में मार्केट में स्मार्ट वॉच भी आने लगी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि घड़ी का यह संक्षेप इतिहास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।